नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के बेलगावी में जैन संत की हत्या, 4 घंटे में पुलिस ने सुलझाया मामला, 2 संदिग्ध गिरफ्तार। इतनी जोर से जय मोदी बोलो कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के कान से खून निकल जाए। तेलंगाना बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय ने वरंगल में किया भावुक भाषण। उद्धव गुट ने फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, शिंदे गुट पर लगाया शिवसेना चुनाव निशान के अवैध उपयोग का आरोप। यूसीसी लागू करना आर्टिकल 370 हटाने जितना आसान नहीं, गुलाम नबी आजाद ने दी मोदी सरकार को चेतावनी। बालासोर रेल हादसे के मामले में गिरफ्तार रेलवे अधिकारियों को कोर्ट ने 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। बंगाल पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग, कूचबिहार में बैलेट बॉक्स लेकर भागा शख्स, दूसरी जगह मतपेटी में लगाई आग। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के बेलगावी में एक जैन संत की हत्या का मामला सामने आया है। बेलगावी के चिक्कोड़ी तालुका के हीरेकोड़ी गांव में नंद पर्वत मठ के एक जैन संत की हत्या कर दी गई और उनका शव शुक्रवार देर रात रायबाग तालुका के खटक भावी गांव में एक बोरवेल के गड्ढे में फेंका हुआ मिला। काम कुमार नंद महाराज को आखिरी बार 5 जुलाई की शाम को भक्तों ने देखा था और बाद में वह लापता हो गए। भक्तों ने संत की तलाश की और शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराई कि वह लापता है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि एक व्यक्ति ने संत से पैसे उधार लिया था और उसे चुकाना नहीं चाहता था। उसने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर साधु की हत्या कर दी और उसके एक क्षत विक्षत शव को रायबाग के खटक भावी गांव में एक बोरवेल के गड्ढे में फेंक दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव पाटिल ने मीडिया को बताया कि उन्होंने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के 4 घंटे के भीतर ही मामले को सुलझा लिया है। पिछले कुछ दिनों से संत के साथ रहे संदिग्ध को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के दौरान उसने अपराध कबूल कर लिया। आरोपी की मदद करने वाले एक अन्य शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हत्या में अन्य लोगों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। वरंगल में तेलंगाना बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनसे कहा कि इतनी जोर से जय मोदी बोलो कि मुख्यमंत्री केसीआर के कान से खून बहना शुरू हो जाए। पीएम मोदी ने वरंगल दौरे के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बंडी संजय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में लाखों करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है। बंडी संजय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के तेलंगाना दौरे के मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बुखार आ जाता है। उन्होंने बीजेपी तेलंगाना का अध्यक्ष बनाकर काम करने का मौका देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिंडा का आभार व्यक्त किया है और कहा कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। वंदे वर्दिलाले नरेंद्र मोदी गारी नायकत्वम, वर्दिलाले नरेंद्र मोदी गारी नायकत्वम। अंदर की नमस्कारम। दि बॉस, दि बॉस, इला प्रपंचमे बॉस गा गुर्तिंचे आ महानुभावुडु, अरे प्रपंच देशाले पादाभिवंदनं चेस्तुन्नटि महानुभावुडन्न, ప్రపంచాలకే వ్యాక్సిన్ అందించిన మహానుభావుడన్న, అటువంటి మహానుభావుడు ఈరోజు ఈ ఓరుగల్లు గడ్డ మీదకి వచ్చిండన్న, 6,000 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించడానికన్నా అటువంటి మహానుభావుడు అటువంటి ఆదరణీయ శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారికి హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుకుతూ అదేవిధంగా నేషనల్ హైవే రోడ్స్ ఎప్పుడు అయినా ఏ రోడ్ అయినా శాంక్షన్ చేసినటువంటి ఒక మంచి మంత్రి అన్న మన శ్రీ నితిన్ గడ్కరీ గారికి, అదేవిధంగా మనందరి నాయకుడు। తెలంగాణకే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ శనివార్ కో రాజ్యకి దౌరే పర్ ఆయే ప్రధానమంత్రి మోదీ కా స్వాగత్ కర్నే కే లియే నహీ పహుంచే। ఉన్హోనే పీఎం మోదీ కా హైదరాబాద్ పహుంచనే పర్ పారంపరిక స్వాగత్ నహీ కియా, జబ్కి రాజ్యపాల్ తమిళియన్ సాయి సుందరరాజన్, కేంద్రీయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఔర్ అన్య భాజపా నేతాఓనే మోదీ కా హకీంపేట్ ఎయిర్ఫోర్స్ స్టేషన్ పర్ స్వాగత్ కియా। కల్ బీఆర్ఎస్ నే ప్రధానమంత్రి కే కార్యక్రమ మే షామిల్ నహీ హోనే కీ ఘోషణా కీ థీ। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले समूह को शिवसेना पार्टी का नाम
और चुनाव चिन्ह देने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने शनिवार को भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लेटर ऑफ अर्जेंसी पेश किया। अपनी ताजा याचिका में शिवसेना के उद्धव गुट ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला समूह शिवसेना के प्रतीक का अवैध रूप से उपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णन मुरारी की फेयरवेल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ काफी शायराना अंदाज में नजर आए। एक शायरी और बशीर बद्र की कविता की दो लाइन बोलते हुए उन्होंने अपने पुराने साथी जस्टिस कृष्णन को विदाई दी। उन्होंने जस्टिस मुरारी के साथ बिताए हुए अपने पुराने दिनों को याद किया और उनके काम की तारीफ भी की। सीजेआई ने अपनी स्पीच में जस्टिस कृष्णन मुरारी के काम, तजुर्बे और सुनवाई के दौरान उनके द्वारा लिए गए फैसलों की तारीफ की। बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीजेआई ने कहा, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। उन्होंने आगे कवि बशीर बद्र की कविता की दो लाइनें भी कही और पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा, आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। उन्होंने आगे कहा कि जस्टिस मुरारी हमेशा शांत रहते हैं और यह गुण जज के लिए सटीक बर्ताव को बताता है। मुसाफिर हैं हम, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड पर फिर मुलाकात होगी। या थोड़ा सा मैं बदलाव भी ला सकता हूँ आखिरी पंक्ति में और ये कह सकता हूँ, मोड़ मोड़ पर मुलाकात होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186,
टोल फ्री नंबर 1800-123-9447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलोर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज वो नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800-123-9447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉल रूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टेक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। देखिए बात, स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा संबंधों को और मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए मलेशिया का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह इस यात्रा के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री श्री YB तातोसेरी अनवर बिन इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ 10 और 11 जुलाई 2023 को मलेशिया की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह मलेशिया के रक्षा मंत्री दातोसेरी मोहम्मद हसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसके दौरान दोनों मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहलों का पता लगाएंगे। साथ ही दोनों पक्ष साझा हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान भी करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को लेकर देश में चर्चा तेज है। लॉ कमीशन ने देश की जनता और धार्मिक संगठनों से इस मुद्दे पर राय मांगी है। इसी बीच अब जम्मू कश्मीर के पूर्व CM और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सलाह दी है कि केंद्र सरकार को UCC के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे सभी धर्मों के लोग नाराज हो जाएंगे।
गुलाम नबी आजाद ने शनिवार 8 जुलाई को मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जितना आसान नहीं है, न केवल मुस्लिम बल्कि इसमें सिख, ईसाई, आदिवासी, पारसी, जैन और भी हैं। एक ही समय में इतने सारे धर्मों को नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा और इस सरकार को मेरी सलाह है कि उन्हें ऐसा कदम उठाने के बारे में भी कभी सोचना नहीं चाहिए। ओडिशा बालासोर रेल हादसे के मामले में सीबीआई ने गैर इरादतन हत्या के आरोप के तहत रेलवे के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपियों को 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। अब सीबीआई इस मामले में रेलवे के दूसरे अफसरों की भूमिका की जांच कर रही है। सीबीआई के मुताबिक इन लोगों को पता था कि गलती से लोगों की जान जा सकती है, फिर भी इन्होंने गलती की, इसीलिए सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी आईपीसी की धारा 304 और सबूत मिटाने यानी आईपीसी की धारा 201 के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें अधिकतम सजा 7 साल है। बालासोर में ट्रेन हादसे के करीब एक महीने बाद सीबीआई ने इस मामले में शुक्रवार को बालासोर से 2 सिग्नल इंजीनियरों अरुण कुमार मेहता और आमिर खान, इसके अलावा और एक तकनीशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई की अपील पर सभी 3 आरोपियों को कोर्ट ने 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। पश्चिम बंगाल में शनिवार 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान राज्य के अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। कूचबिहार जिले में कई मतदान केंद्रों पर हिंसा हुई है। यहां एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक शख्स मतपेटी लेकर भागता नजर आ रहा है। इस घटना ने चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कूचबिहार में ही एक अन्य मतदान केंद्र पर मतपेटी में आग लगाने की घटना सामने आई। दिनहाटा के बारा नटीना में एक मतदान केंद्र पर कथित तौर पर फर्जी मतदान से नाराज मतदाताओं ने मतपेटी में आग लगा दी। भारी बारिश के कारण भूस्खलन और रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क का एक हिस्सा बह जाने के कारण शनिवार सुबह जम्मू शहर से वार्षिक अमरनाथ तीर्थयात्रा 2023 निलंबित कर दी गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि खराब मौसम के कारण शनिवार सुबह यहां भगवती नगर में यात्री निवास आधार शिविर से यात्रा स्थगित कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, कश्मीर और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश और मौजूदा मौसम की स्थिति के कारण आज किसी भी नए जत्थे को पवित्र गुफा के लिए अनुमति नहीं दी गई। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बस्कोत्रा ने कहा कि मेहत क्षेत्र सेरी और रामबन जिले के मरोगा क्षेत्र में सुरंग 1 और सुरंग 2 के पास भूस्खलन, कीचड़ और पत्थरों के गिरने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पर जम्मू और कश्मीर के बीच वाहन यातायात शनिवार तड़के से निलंबित कर दिए गए। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है।
विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है, यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर